प्रभास का लुक फाइनली। ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली कल्कि के मेकर्स की तरफ से एक न्यू इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी है। और इस बार जो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है वो अपने भैरवा की सुपरस्टार फ्यूचरिस्टिक कार होने वाली है। ये कार जमीन पर ही नहीं आसमान में भी उड़ सकती है। और जो खास बात होने वाली है, ये कार के पास अपना ब्रेन भी है। ये बोल सकती है, हवा, पानी और धरती तीनों जगह ये कार चल सकती है। तो इस तरह की ये कार होने वाली है। फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, तो फ्यूचरिस्टिक कार है अपने भैरवा की। तो ये सुपरस्टार फ्यूचरिस्टिक कार का नाम होने वाला है भुज्जी, जो होने वाली है भैरवा यानी प्रभास की बेस्ट फ्रेंड इन द मूवी। तो कैसी होने वाली है ये फ्यूचरिस्टिक कार, तो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है। तो करते हैं सीधा पहले इसका रिएक्शन, फिर बाद में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बहुत मेकर्स ने बहुत लेट कर दिया, बट रिलीज हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्या होता है, फिर बाद में बात करते हैं। Somewhere in the future. Hey, Yavaradi, my body am I pindi? 2898 lo. One of the toughest, most exciting, very smart, cute. Buji. I love Buji. Buji andar hai. Aare Buji. Who is like Buji? How our brain controls our body. Buji's body also is controlled by a brain. Okay. Hi, nenu Buji brain. मीन्स ये उस कार का ब्रेन है जो उसको पूरा कंट्रोल करता है। और कार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जितने ये डिजाइनर्स हैं उस कार के जिन्होंने उसको बिल्ड किया है, यार कितने बड़े ग्रैंड लेवल पर ये मूवी बन रही है। अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस मूवी को देखने के लिए यार। It's already looks very complicated. Yeah. It's going to be very, very challenging to make this. Yes, it is challenging, but also it is super satisfying, you know. Fourth year. Most complicated vehicle. Hey, mellaga teeskelandi. Assale meeku brain ledu. Neekemo body ledu. Sachin oda. Sir, evaru deadline follow avatledu sir. No. Oh, sorry. Wrong person. मतलब यार इस कार को बनाने के लिए यार कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, कितने अच्छे लेवल, कितने ग्रैंड लेवल पे इस कार का प्रोडक्शन हो रहा है फॉर शूट। और इसको जो रियलिस्टिक बनाने की, जितना ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है उतना ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगेगी ये मूवी पे। बहुत ज्यादा ही यार, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग वर्क किया है मेकर्स के द्वारा। ఇన్ని రోజులకి ఒక టైర్ చేశారా, దీనికి 48 కాదు 96 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ వాడితే బెటర్. నేను లేకపోతే మీరు ఏమైపోతారా? హే, టూల్ కిట్ ఎక్కడ పెట్టా? డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ సర్వీస్ చేయించావా? ఇంకా కొంచెం ఇంకా నా లైఫ్ అంతే, బాడీ లేకుండా బ్రతికేయాల్సి వస్తుందేమో. प्रभास का लुक फाइनली प्रभास, ओह माय गॉड, इट इज लुकिंग लाइक अ बैटमैन कार और समथिंग एल्स यार, ओह माय गॉड। ओके नो, रिवीलिंग ऑन मे 22nd, ओके भाई अभी भी रिवील किया है मेकर्स ने यार, भाई जिसका इतना वेट था यार उसी को रिवील किया यार भैरवा की कार। और फाइनली 22 तारीख को वो रिवील करेंगे। अभी भी वो जो सस्पेंस बना के रखा है मेकर्स ने, कुछ रिवील नहीं किया है। बट हाँ यार, जो भैरवा का लुक उन्होंने रिवील किया है यार, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। उन बड़े बालों में जो न्यू कॉस्ट्यूम जो उन्होंने पहना हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल में आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं। तो यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड उस मूवी को लेकर यार। फ्यूचरिस्टिक हिस्ट्री सब कुछ, माइथोलॉजी सब कुछ मिक्स करके ये मूवी हमें थिएटर्स में देखने वाली है यार। कल्कि के मेकर्स कुछ ज्यादा ही
डिफरेंट करने वाला है। लुक एट द कार, जो उस कार की डिजाइन और लुक लग रही है यार, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होने वाली है जब वो रिवील होगा। 22 तारीख को जो रिवील करने की बात की गई है मेकर्स की तरफ से, यार बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग यार, मजा आ गया। और प्रभास एज अ भैरवा को देख के भी यार मजा आ गया। मतलब इस पूरी वीडियो में जो खास पार्ट था वो था भैरवा का फेस रिवील, यार बहुत बेहतरीन लग रहे हैं यार जो भी कॉस्ट्यूम में होते। तो दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड उस मूवी को लेकर, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बने होशियार के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने अपनी कमेंट्स जरूर लिखना। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसी अगली रिएक्शन वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, सायोनारा।